नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज। लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है। लोग चावल खरीदने के लिए आते हैं और मैं पटना का सबसे बड़े चावल बाजार चितकोरा में हूँ। कुछ व्यापारियों से भी आइए, हम बातचीत करेंगे क्या कुछ यहाँ पे है। सर, पिछले साल चावल के जो रेट था, इस साल छठ पूजा के लिए चावल का क्या रेट है? वही सर, को असला फसला नहीं है, 2 रुपए का असला फसला होता है। क्या कुछ मतलब इस बार मतलब गेहूँ का क्या दाम है? हर एक साल तो यही सब रेट बेचते हैं, 165-150। इसमें क्वालिटी आता है ना, क्वालिटी का रेट होता है। गेहूँ तो आपको 120 पसेरी का मिल जाएगा, 100 रुपये पसेरी का गेहूँ मिल जाएगा, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत बेहतर क्वालिटी का बिकता है ये। हाँ, ये अच्छा क्वालिटी का है, स्पेशल आता है ये गेहूँ। नाम सर? मेरा नाम है बंटी। सर, पिछले साल जो चावल का भाव था छठ पर, क्या इस साल क्या कुछ है सर? रेट का फर्क आया है, बहुत फर्क हो गया। तब और सर था 48 रुपये किलो, तो 60 रुपये है, 12 रुपये किलो का, 12 रुपये किलो का डिफरेंस है। गेहूँ का तो रेट सेम है, गेहूँ के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा है, चावल के रेट में फर्क पड़ा है। बारह रुपये चावल में। क्या नाम है? चिंटू कुमार गुप्ता। रेट तो अगर साल से हाई है, इस साल 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो हाई है। हाँ, प्रति किलो पिछले साल से ज़्यादा है। सिंधा नमक जो मंडी, तो पर्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर्व करने वाला करवे करेगा पर्व। आस्था का पर्व है, दूसरी तरफ दाम भी ज़्यादा लग रहा है। कितनी तेजी रहेगा, मतलब बाजार तेज रहेगा चावल का, पर्व जो करने वाला है वो करवे करेगा, चाहे तो कर्ज लेके करे, चाहे तो अपने जाओ, पर्व है, अपने आप सब हो जाता है मैनेज। सर नाम बताओ। संतोष जायसवाल। ये चितकोरा चावलों की मंडी है, काफी पुराना चावल बाजार है यहाँ पे। यहाँ पे आइए, दुकानदारों से भी बातचीत करते क्या कुछ। चावल का क्या रेट? चावल तो हर एक साल बिकता था, कतरनी 60 रुपये के जी, इस बार चावल तेजी है, कुछ 70 रुपये के जी बिक रहा है। गेहूँ तो अभी ठीक है, अगला साल से कुछ कम रेट है, जो 160 बिक रहा था अगला साल, अभी 150 बिक रहा है। नहीं, छठ के लिए स्पेशल चावल आता है, खीर के खरना के लिए नया चावल आता है, और थी के लिए कसार के लिए नया चावल, और खा के लिए पुराना चावल। गेहूं का सर क्या रेट है? गेहूँ अभी चल रहा है 150 से लेकर 180 रुपये पसेरी। पिछले साल के अपेक्षा से गेहूं का रेट 10 रुपये ही पसेरी कम है, और चावल में 20 रुपये के जी ज्यादा है। नाम सोनू कुमार गुप्ता। दाल तो वही सब रेट है, जो रहता था हर एक साल रेट वही दाल है। पिछले साल की चावल का जो दाम था छठ पूजा में, इस बार क्या कुछ सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आस्था का पर्व छठ है, उसमें जो लोहर के दिन जो प्रसाद बनती है वो कतरनी चावल से बनती है, जो कानपुर से आती थी। लेकिन आपको पता है कि जो बिहार, भारत के अंदर जो तबाही का मंजर था बारिश के कारण, तो कानपुर से इस बार कतरनी नहीं आया है, ना के मात्र आया है। एक तो क्वालिटी नहीं मिला हम लोग को, दूसरी तरफ जो स्थिति है देश के अंदर इकोनॉमिस्ट का, उसका असर भी बाजार में देखने को साफ साफ मिल रहा है। पहले जो चावल 50 रुपया बिकता था, वो आज उसका रेट 70 रुपये है, समझिए केजी के भाव बता रहे हैं। गेहूं 28 से 30 रुपया बिकता था, वो गेहूं का भाई 36 रुपया हो चुका है। जो चना दाल 60 रुपया था, वो 65 रुपया था। तो तमाम जगह से हम देखने की स्थिति यह है कि बाजार में ग्राहक तो है, इसमें दूर रहने की ग्राहक नहीं है, लेकिन ग्राहकों को भक्ति के नाम पे मतलब महंगाई की मार दिख रहा है, और हम लोग की भी जो स्थिति है, चावल की स्थिति है, वो न के बराबर ही है। आकाश कश्यप।